दोस्तों, जब भी हम एक नया YouTube चैनल बनाते हैं, चैनल बनाने के बाद हम उसे YouTube पर सर्च करते हैं, तो सर्च रिजल्ट में हमारा YouTube चैनल आता ही नहीं है। अगर आ भी जाए तो बहुत ही नीचे आता है। पहली बात तो नया YouTube चैनल सर्च में आता ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह प्रॉब्लम उन सभी लोगों के साथ होती है जो यूट्यूब पर एक नया चैनल बनाते हैं। तो दोस्तों, यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं, कुछ बेसिक सेटिंग करनी होती है, उसके बाद हमारा YouTube चैनल सर्च रिजल्ट में आने लगता है। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका YouTube चैनल जो है वो सर्च रिजल्ट में पहले नंबर पर आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सर्च करके देख सकते हैं, मेरा चैनल हमेशा पहले नंबर पर आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप अपने YouTube चैनल को सर्च रिजल्ट में टॉप पर लाना चाहते हैं, पहले नंबर पर लाना चाहते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं रियल टेक हेल्प। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने YouTube चैनल को सर्च में लाना चाहते हैं तो जब भी आप अपना YouTube चैनल बनाएं तो चैनल का नाम बिल्कुल ही यूनिक रखें। यूनिक मतलब बिल्कुल ही अलग नाम आप अपने YouTube चैनल का रखें। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं फिल्टर लगाकर अपने YouTube चैनल का नाम। जो भी नाम आप अपने YouTube चैनल का रख रहे हैं उसे आप YouTube एप्लीकेशन पर जाकर सर्च कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं चैनल का, और पता कर सकते हैं कि इस नाम से YouTube पर पहले से ही तो चैनल नहीं है। अगर उस नाम से पहले से ही YouTube चैनल है तो आप उस नाम से चैनल ना बनाएं। आप अपने YouTube चैनल का नाम बिल्कुल ही अलग रखें, अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा नाम रखें। यह फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी होता है, और हमारा चैनल जो है वो सर्च में केवल नाम के वजह से ही आता है। तो दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट तो यही हुआ कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम बिल्कुल ही यूनिक रखें। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आप चैनल बना लें, चैनल बनाने के बाद आपको चैनल कीवर्ड भी ऐड करना है। यह एक छोटी सी सेटिंग होती है फ्रेंड्स, आपको अपने YouTube चैनल पर चैनल कीवर्ड भी ऐड करना है। और दोस्तों, चैनल कीवर्ड कैसे ऐड करना है और किस प्रकार से करना है, यह सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसको देख सकते हैं और उसे देखकर आप अपने चैनल की कैटेगरी के हिसाब से कीवर्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कीवर्ड लगाने के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोज भी अपलोड करना है। 5, 10 या 15 वीडियो आपको अपलोड कर देना है। और फ्रेंड्स, जो भी वीडियो आप अपलोड करें उन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आपको हैशटैग लगाना है अपने चैनल के नाम का। और फ्रेंड्स, वीडियोस में जो टैग्स आप लगाएंगे टैग सेक्शन में, तो वहां पर भी आपको अपने चैनल के नाम से टैग्स लगाना है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया कि आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम बिल्कुल ही यूनिक रखना है, चैनल कीवर्ड ऐड करना है, उसके बाद वीडियोस अपलोड करना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में आपको अपने चैनल का नाम यूज करना है। इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका चैनल 100% बिल्कुल ही टॉप में आएगा सर्च रिजल्ट में। जब आप अपने YouTube चैनल का नाम सर्च करेंगे तो बिल्कुल पहले नंबर पर ही आपका YouTube चैनल आएगा। तो दोस्तों, यहां पर आप समझ गए होंगे कि YouTube चैनल को सर्च रिजल्ट में कैसे लाना है। आपको इन सभी पॉइंट्स को जो है वो फॉलो करना है। अभी आप अपने YouTube चैनल की सेटिंग कर लीजिए इसी प्रकार से, तो आपका YouTube चैनल जो है वो बिल्कुल ही पहले नंबर पर आने लगेगा। और फ्रेंड्स, यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारे चैनल का नाम। आपको अपने चैनल का नाम बिल्कुल ही यूनिक रखना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में कैसे लाना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें।